प्रेस मीडिया के हमारे बंधु मौजूद है। मैं चाहूंगा इस सम्मेलन के नाम से सभी परिचित है, सम्मेलन के बारे में, समाज के बारे में हमारी क्या भूमिका है, प्रेस को विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। मैं आमंत्रित करूंगा इसके लिए हमारे सम्मेलन के अध्यक्ष श्री भगवती प्रसाद जी बाजोरिया, हमारे संरक्षक राम प्रसाद जी सराफ, हमारे सलाहकार समिति के चेयरमैन श्री रतनलाल जी अग्रवाल एवं श्री मनमोहन जी गारोडिया, आप लोग यहाँ सामने आए और प्रेस को हमारी संस्था के विषय में आप जानकारी प्रदान करें। सम्मेलन के वरिष्ठ सदस्य, संरक्षक सदस्य, समाज सेवाओं में अपनी पहचान बनाने वाले श्री मनमोहन जी गारोडिया हमारे बीच में उपस्थित है। समाज के बारे में, संस्था के बारे में इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये समाज के हर बंधु से नीचे से ऊपर स्तर तक जुड़े हुए हैं और सम्मेलन का कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मनमोहन जी संस्था के बारे में संक्षिप्त परिचय दें। देखिए, ये संस्था बहुत पुरानी संस्था है और जब मारवाड़ी समाज विघटित था तब से संस्था कार्यरत है। 80 साल हो गए संस्था को काम करते हुए। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है और जन जागृति का, समाज सुधार का काम हमारी संस्था ने बहुत पहले से किया है और अभी हम लोग थोड़े विषय से आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें बच्चों को शिक्षा के लिए सहयोग करना, जैसे हमारे युवा लोगों को सहयोग करना। अभी हम लोग अपनी संस्था के बैनर के अंदर में जो हमारे समाज के लोग जो IPS IAS ऑफिसर कुछ भी बनना चाहेंगे तो उनको जितनी भी हम लोग को लॉजिस्टिक हमको देना होगा, जैसे अगर वो UPSC के अंदर में क्रैक कर लेंगे एग्जाम को, प्रिलिमिनरी को, तो उसके बाद में उनकी जो शिक्षा का खर्चा, जो उनका कोचिंग का खर्चा होगा, वो हमारी संस्था बेयर करेगी। हमारे मारवाड़ी समाज में इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड कोई भी जाति के होंगे, और इस तरीके से अलग अलग परिकल्प हम लोग के चलते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि समाज का प्रतिनिधित्व तो भी राजनीति में हो, जो जिसका हम लोगों के यहाँ पर अभाव है। अभी आपने देखा होगा TMC हो चाहे BJP हो चाहे कांग्रेस हो, किसी में भी मारवाड़ी समाज सबसे बंगाल को लीड करता है, परंतु राजनीति के अंदर में मारवाड़ी समाज को उपेक्षित किया जाता है, क्योंकि हम लोग कुछ मांगते नहीं है, हम लोग हमेशा करने का भाव ही हमारे मन में रखते हैं। तो ये थोड़ा सा हमको मन में लगता है कि हमारे समाज को खुद स्वयं को आना होगा और अपना हक मांगना होगा। हम चाहते हैं और मैं चाहूंगा हमारे समाज के लोगों से कि किसी की भी कोई प्रॉब्लम हो उसको लेके सामने आए, उसके लिए मन वचन कर्म से, तन मन धन से हम लोग उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। मारवाड़ी समाज के बारे में जितना कहें उतना ही कम है। ऐसा है, ये लोकगीत और लोक कहावत है कि रेत है सोना से जड़ी, कि रेत है सोना से जड़ी, आसमान है चांदी सो, और आपनो राजस्थान है रंग रंगी लो, यो है मारवाड़ी को राजस्थान। हाँ, तो उस भूमि से यहाँ पर सब आए हुए हैं, उस भूमि को नमन करते हुए और सबको हार्दिक अभिनंदन इस बसंत उत्सव पर देते हुए। कारण है कि मारवाड़ी समाज, जैसा कि मनमोहन जी ने कहा, सब क्षेत्र में अग्रगणी है। इसलिए कहा जाता था, जहां न जाए बैलगाड़ी वहां जाए मारवाड़ी। और क्या, और ये प्रथा बहुत आगे से चली आ रही है, कोई नई बात नहीं है। बोले न खाता न बही, और जो मारवाड़ी का बात सही। तो चीज ये है कि सबसे बड़ी अभी दुख की बात आज इस उत्सव के ऊपर मेरे को कहना पड़ रहा है, पश्चिम बंगाल में, और जगह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में मारवाड़ी समाज सब जगह जुड़ा हुआ है, मगर राजनीतिक क्षेत्र में इतने पीछे क्यों है। इसलिए कहावत है, मैं 1984 में बड़ा बजा राजेश कैतान जी के अगेंस्ट में कॉन्टेस्ट किया था, तो हमको ही मारवाड़ी समाज के लोग कहते थे, अरे तू मारवाड़ी होकर CPM कर रहा है। तो विचारधारा लोगों की अलग अलग हो सकती है,
मगर क्या है कि सबको आगे आना होगा, इसीलिए कहा गया है अधिकार है सबको जीने का, हम हक मांगते हैं अपने पसीने का। वाह। और सवाल ये है, बात बड़ी बड़ी करते हैं, अभी हम आप लोगों के सामने क्या कहेंगे, मारवाड़ी समाज में हम लोग बड़े बड़े आदर कुरान बड़े बड़े बुजुर्ग लोग पहले दान धर्म करते थे, अभी भी कर रहे हैं, मगर बात जब मीटिंग होती है और भी बहुत सी संस्थाएं हैं मारवाड़ी से, एक तो अभी प्रचलन क्या हो गया है, कोई हम संस्था के संविधान को नहीं मानते। अरे संस्था का जब संविधान बना है तो मानने के लिए बना है, हम जबरदस्ती करके कुर्सी पर रहेंगे। पहले लोगों के अंदर में ये भावना नहीं थी कि आने वाले पीढ़ी ठीक है संस्था को चलाए देखे करे, मगर अभी सुबह है हम लोग हर जगह बैठकर बात करते हैं, फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। अब फिजूल खर्ची का क्या, एक खर्चा का भी सीमा है, 50-50 लाख रुपया लोग इस सम्मेलन के नाम पर फूंक देते हैं। और एक चीज है जो बहुत रकम के अपराध होते हैं समाज में, अभी हम देख रहे हैं ये समाज में आर्थिक अपराध द्वारा जो लोग जड़ित हैं वो क्या कर रहे हैं, संस्था में रुपया दे देते हैं, चंदा दे देते हैं, क्यों कि संस्था की आड़ में वो अपना आर्थिक अपराध चालू रख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा ये सब मामले में सब आगे आए और विचारों से संस्कारों से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और अपने मारवाड़ी ये जो सम्मेलन है आज सबको हार्दिक अभिनंदन जनाते हुए, हम लोग जो भी इस तरह के घटिया कार्य में लिप्त हैं हम लोग अपने समाज से अपने कार्य द्वारा उनको पीछे हटा करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इस कथन के साथ मैं सभी लोगों को अभिनंदन जनाते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय मारवाड़ी जय राजस्थान। प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की तरफ से उपस्थित सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मारवाड़ी सम्मेलन ये बहुत ही पुरानी संस्था है और इसका उद्देश्य एक ही है, मारवाड़ी समाज के जो गरीब बच्चे जिसको पढ़ाई में तकलीफ हो रही है, इलाज के लिए तकलीफ हो रही है, उनके पास रहना है। और भी बहुत से काम हैं जो मारवाड़ी ये संस्था करती आई है और आगे में भी करती रहेगी। उद्देश्य एक ही है, सबके बारे में सोचना, जिसको आर्थिक तंगी है उसके लिए सोच विचार कर ही काम करती है। धन्यवाद। ये जो टीम बनाए हैं डोल्टन जी शर्मा प्रेसिडेंट हमारे और बहुत सक्रिय हमारे ब्राह्मण समाज से और बहुत संगठनों से जुड़े हुए हैं, प्राचार्य हमारे अभिभावक पूजनीय शास्त्री जी श्री राकेश जी पांडे जिनका नाम इनके पंचांग से दौड़े ज्यादा प्रचलित है, पूरे भारतवर्ष में इनका पंचांग जो है बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, व्यवहारिक है। मैं आचार्य श्री राकेश जी पांडे से अनुरोध करूंगा, गुरु जी आए मंच के ऊपर हमें आशीर्वचन प्रदान करने के लिए, आइए मंच के ऊपर विराजमान हो माननीय श्री। हेलो कोलकाता लाइव विद पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन एंड वी हैव द ट्रेजरर पंकज सर। पंकज सर आपके ये जो संस्था इसके बारे में थोड़ा बताइए और आपका जो वंडरफुल कंट्रीब्यूशन इसके बारे में थोड़ा बोलिए। पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन पश्चिम बंगाल में मारवाड़ी समाज का प्रतिनिधित्व करती है और मारवाड़ी समाज के हित में मारवाड़ी भाषा मारवाड़ी समाज को संगठित करने का काम करती है। आज यहाँ बीका बैंक्वेट में होली मिलन समारोह है, यह प्रतिवर्ष होता है और समस्त मारवाड़ी समाज को आज निमंत्रित किया गया है। आज हमारे यहाँ विभिन्न मारवाड़ी समाज के प्रतिष्ठित लोग यहाँ आमंत्रित हैं। मारवाड़ी भाषा को कैसे प्रचार प्रसार किया जाए, नई जनरेशन में मारवाड़ी भाषा व
वर्तमान में व्यवस्थित रहे, लोग हिंदी सीखें, अंग्रेजी सीखें, लेकिन साथ में मारवाड़ी भाषा, क्योंकि भाषा और संस्कृति की ही लड़ाई है। भाषा बचेगी, संस्कृति बचेगी, तभी हम लोगों का अस्तित्व बचेगा। तो इसीलिए हमारा रहन सहन, हमारी भाषा, हमारा कल्चर, इसको बचाए रखने के लिए ही पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन कार्यरत है और इसी दिशा में ये सम्मेलन कार्य कर रहा है। आगामी दिनों में हम लोग 10वीं और 12वीं क्लास के जो बच्चे पास होंगे उनको लेकर मेधावी छात्र सम्मान समारोह हम लोग प्रतिवर्ष करते हैं। तो इस वर्ष बहुत बड़े रूप में हम लोग आयोजन करने का प्लान कर रहे हैं और इसके साथ में हिंदू मैरिज एक्ट में जो परिवार विघटन की एक समस्या सामने आ रही है, तो हम लोगों ने एक लीगल एड एक्सपर्ट टीम बनाई है जो मुफ्त में परिवार विघटन से जितनी भी समस्याएं हैं लोगों की, उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न लोगों के रहेंगे, सप्ताह में एक दिन लोगों को दी जाएगी। एडवोकेट अशोक कुमार धंडनिया के नेतृत्व में वकीलों की टीम रहेगी जो निःशुल्क लोगों को जागरूक करेगी। ऑनरेबल एमएलए विवेक गुप्ता पश्चिम बंग प्रादेशिक, बड़ा बूढ़ा हमेशा बूढ़ा है, भजन और भोजन का एक हर्षिता जैन मेडिकल सेंटर खोल रहे हैं जिसमें गरीब लोगों को फ्री योग कोर्स मुहैया सुविधा करवाएगी। ये पश्चिम बंगाल प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन के सहयोग से चालू हो रहा है। आप सबका मुझे आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। अपने सनातन विधि से करेंगे। मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूंगा, मंच तक पहुंचाते रहिएगा ताकि हमें भी लगे कि आप में पूरा जोश है। सचिव पोदार और शेखर जी फिटकरा, हमारे पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के उपाध्यक्ष शिव कुमार गुजरवासिया जी आज उपस्थित हैं, वो इस कार्यक्रम के संबंध में कुछ बोलेंगे। होली प्रीति सम्मेलन जो हर साल ये हम सेलिब्रेट करते हैं, पूजा भी हमने किया है और इस सब काम को पूरा करने में हमारे किशन किला और पंडित जी केडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी चेष्टा से ये सफल हो पाया है और भी कई ये प्रकट ले रहे हैं जैसा इन्होंने कहा। एमिनेंट एडवोकेट अशोक कुमार धंधानिया, he has been felicited today by Paschim Bongo Pradeshik Marwari Sammelan. Sir, congratulations on behalf of Hello Kolkata and different news media. You have been felicited by Paschim Bongo Pradeshik Marwari Sammelan. Can you, sir, kindly highlight about your achievements? Kya kya aapka vishesh achievements raha? I am grateful to the Marwari Sammelan for felicitating me in the recently held election of the High Court Bar Association. I was elected by huge margin, and the most important thing is that 98% of the voters are Bengali voters. I received about 2,300 votes, more than 2,200 votes were Bengali voters. Hardly there were 100 non-Bengali voters. Therefore, it shows that in West Bengal, some people may say that there is racism, communism, but I received votes from Bengali advocates. That shows that there is no such thing in West Bengal, and I'm grateful to them for organizing this. And sir, you are starting novel project under which you are trying to help some marginalized sections of the society. If you can kindly elaborate on your new novel venture. See, yesterday, when Mr. Keria met me and he told me about the working of the society, I thought I have earned enough money the last 52 years. I started practicing 1972. Now I have completed 52 years of practice. I have earned a lot of money. Now I can afford to do some free legal advice and free legal aid to the society. And to whom and who will be the chief beneficiaries of your legal aid and consultation? There, I will not say only poor, because sometimes even rich people do not know what to do. I know of a case, a person had taken loan from the bank, he died. The wife requested the bank to give 6 months time or 1 year time, he will arrange the money.
the bank did not give her time, took possession of the flat, residential flat, and sold it. Such people also require medical advice. And also, of course, matrimonial matters and any other matter in which injustice has been done to anyone. And sir, will you like to convey some best wishes for Paschim Bongo Pradeshik Marwadi Sammelan for their wonderful work they are doing over the years? Yes. I was told by Mr. Kedia that this Sammelan has about 7,000 members. But our MLA told the meeting that there are about 80 lakh Marwadis in West Bengal. That means out of 80 lakh Marwadis in West Bengal, only 7,000 members. So I wish that they are able to reach each and every Marwadi living in West Bengal. Hello Kolkata, live with eminent advocate Ashok Kumar Dhandania, live with Paschim Bongo Pradeshik Marwadi. Ashish Kaushak, live and hello Kolkata.